प्यारे बच्चों, मेरा नाम है डुगु। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ट्रैफिक रूल्स वाला वीडियो। तो जल्दी से इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे टॉय स्टार चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो एंजॉय करो। आपको चलान भरना होगा। चलान चलान क्या है? ये चलान चलान क्या है? चलान मतलब फाइन, जो कि तुम्हें इसलिए देना होगा क्योंकि तुमने रेड लाइट तोड़ी है। मैम, माँ का सब मैंने नहीं तोड़ी, किसी और बच्चे ने तोड़ी होगी। अरे मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, साइकिल चला रहा था। इसका मतलब है तुमने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए। मैम जी, पता होगा तभी तो रूल्स फॉलो करूँगा। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। इसमें तीन लाइट्स होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड लाइट के जलने पर आपको अपना वाहन रोकना है, यानी कि स्टॉप। और जब भी पीली बत्ती जले तो आप रेडी हो जाओ। अच्छा। और ग्रीन लाइट के जलने पर जाइए। यही तोड़ी है मैंने। और तुम्हारी गलती ये है कि आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, रेड लाइट पर आप चले गए, तो इसके लिए आपको चलान भरना होगा, यानी कि फाइन। ठीक है, चलो डालो इसमें फाइन। लो। वेरी गुड, अब से आप रूल्स फॉलो करना। अच्छा ठीक है, समझ गया, अच्छा याद रखूंगा मैडम। अभी तो रेड लाइट फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं चलान कट जाएगा। आपको भी हर रोज रेड लाइट फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपका भी चलान कट जाएगा। रेड लाइट खुल जाए। बेटा अब तो तुम्हें दो दो चलान देने होंगे। दो दो चलान क्यों मैम? पहला, जो तुमने हेलमेट नहीं लगाया। तुम्हें पता है टू व्हीलर पे हेलमेट बहुत जरूरी होता है, अगर तुम कहीं गिर जाओ हेड की सेफ्टी रहती है। ओके मैम। और दूसरा चलान कि तुम यहाँ इतनी जोर जोर की हॉर्न बजा रहे हो, ये नो हॉर्न एरिया था, समझे? बिना वजह हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। सॉरी मैम, गलती से मिस्टेक हो गई। तो इसके लिए तुम्हें लगता है जुर्माना, ताकि तुम आगे से ऐसी हरकत ना करो। तो चलो फाइन भरो। ये 500 रुपए। वेरी गुड, आइंदा ध्यान रखना। अरे अपनी गाड़ी तो लेके जाओ। सॉरी मैम, आई डोंट वांट टू स्विम मी। ये बता रहा है। आज तो मैंने हेलमेट भी पहना है और रेड लाइट को भी फॉलो करूंगा और बिना बात के पी पी नहीं करूंगा और रेड लाइट को भी क्रॉस नहीं करूंगा। हरे ग्रीन लाइट। Thank you.
अरे रुको, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ मैडम, क्या हो गया? अच्छा, मुझसे होशियारी? चलो फाइन लगेगा तुम्हारा, जुर्माना, वो भी तीन तीन। बात का, आज तो हो ही नहीं सकता, मैंने हेलमेट भी पहना है और तो और मैंने बिना बात का फोन भी नहीं बचाया और मैंने ग्रीन लाइट के लिए वेट भी किया। अरे चलान तो कटेगा, खाएंगे पिएंगे नहीं क्या हम? हैं? कुछ नहीं। अरे मोटा पेट, ये बताओ सीट बेल्ट कहाँ है? हाँ मैम, ये रही सीट और ये रही बेल्ट। अच्छा, मुझसे होशियारी, ये वाली बेल्ट दिखा रहा है, पेंट की बेल्ट। मैं सीट बेल्ट की बात कर रही हूँ, जो गाड़ी चलाते वक्त बेल्ट लगाते हैं, वो वाली बेल्ट की बात कर रही हूँ मैं। सॉरी मैम। अच्छा मैम जी, दूसरा चलान किसका है? दूसरा चलान है स्पीड का चलान। अरे ये साइन बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। देखो 10 की स्पीड पे चलाना था और तुम 30 की स्पीड में भाग तो जा रहे थे। और मैं तीसरा चलान क्यों? तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम रॉन्ग साइड आ रहे थे। सॉरी मैम, गलती से मिस्टेक हो गई। मैडम जी, आज तो ऐसा करो कि सारा रूल्स मेरे को ही बता दो। अच्छा ट्रैफिक रूल्स बता दूं? यस मैम। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगी ट्रैफिक साइन के बारे में। चलो मैं चलता हूँ मैम। हाँ बेटा, आज मैं आपको इन्हीं सारे साइन के बारे में बताऊंगी। ओके मैम। तो डुग्गू आप वहाँ जाकर बैठो। ओके मैम। तो बच्चों ये साइन है STOP, यानी कि स्टॉप। इस साइन का मतलब है रुको। ओ, अब मैम नेक्स्ट। तो अगर आपको इस तरीके का साइन कहीं भी दिखाई दे जिसमें पी कटा हुआ हो, उसका मतलब है नो पार्किंग। वहाँ अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, वरना आपका चलान हो जाएगा। ओ अच्छा। तो बच्चों बताओ इस साइन का क्या मतलब है? इसका मतलब कि भाई अपने बहन के साथ कहीं जा रही है। नहीं 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 नहीं, इस साइन का मतलब है कि आगे स्कूल है तो अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाएं। तो बच्चों ये वाला साइन आपने हर जगह देखा होगा, जब भी आपको रोड क्रॉस करनी हो तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें। तो जिस तरह ये आदमी जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा है, आप लोगों को भी उसी तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए, ताकि आप सेफली रोड क्रॉस कर सकें। मैम ये क्या है? तो बच्चों जब भी आप इस तरीके का साइन देखें, इसका मतलब है स्पीड ब्रेकर। तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो अपनी स्पीड कम कर लें, ताकि आपको झटके ना लगे। और ये साइन है गिव वे का, इसका मतलब है आप अपनी लाइन पे चलें और रास्ता छोड़कर चलें। और जब भी आप इस तरीके का साइन देखें, इसका मतलब है कि आगे काम चल रहा है तो आप सावधानी से चलाएं। और जब भी आपको इस तरीके का साइन दिखे क्रॉस वाला, तो इसका मतलब है यहाँ पर पार्किंग और गाड़ी को ठहरना मना है। लेकिन बच्चों एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, उनको जरूर सबसे पहले जगह दें। वाह मैम। तो बच्चों आज आपने सीखे ना सारे ट्रैफिक के साइन। मैम आपकी साइन सुनने में तो बहुत मजा आया, आज से मैं सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा। वेरी गुड। तो चलो कहाँ? आउट्रो करने। चलो तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टॉय स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ट्रैफिक रूल्स हमेशा फॉलो करें। तो हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।